हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आज जा रहा हूँ मैं आउट ऑफ स्टेशन और मैं आपको सारी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करनी है जर्नी और कहाँ तक हमने जाना है और वहाँ पे घूमेंगे। और तो मैंने तैयारी कर ली है सारी, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये बैग रेडी हो गया मेरा, मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मैं बस शूज़ मेरे डालने रह गए हैं और शूज़ डाल के मेरी बेटी मेरे को छोड़ के आएगी बस स्टैंड तक और वहाँ से बस लेंगे। बस लेने के बाद आगे की जर्नी मैं रास्ते में आपको बता। चलते हैं जर्नी पे। ये आ गया नाभिक का रेलवे स्टेशन और अभी पहुँचे हैं। सो गाइस, रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ये टिकट हो गई है मेरी। ये आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और अभी स्टेशन पे आ गए। स्टेशन में से तो लाइटिंग लूटिंग का प्रॉब्लम तो ऐसा ही है क्या। मोस्टली अभी मेरे को पता चला है जिससे टिकट ली है मैंने, उसमें बताया कि सारी सवारी चली गई है। एक ट्रेन आई थी जो दिल्ली से आती है, बठिंडे को जाती है, तो उसमें सारी जितने भी पैसेंजर्स थे सारे उसमें चले गए। तो मेरे को लगता है कि जिस ट्रेन में मैंने जाना है वो खाली ही जाएगी, मोस्टली खाली ही रहेगी। और कभी ये पहले आ जाती है जिसमें मैंने जाना है, तो कभी वो दिल्ली वाली आ जाती है, तो आज दिल्ली वाली पहले आ गई तो ये ट्रेन खाली जाएगी। मज़ा आएगा खाली ट्रेन में और ऑल्सो एंजॉय भी होगा। बातचीत करेंगे बैठ के स्टेशन को, आपको बताऊंगा मैं स्टेशन कौन कौन से आते हैं, रास्ते में आपको बताऊंगा। लेकिन अंधेरा है, अंधेरे के कारण कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा और दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो अभी जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे नाभे के रेलवे स्टेशन पे, तो आपने व्यू तो देख ही लिया होगा। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि मैं नाभे स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और जो अभी यहाँ पे मेरे को वेट करने पड़ेगा। मेरे जो ट्रेन का टाइमिंग है वो है, मैं टिकट में देख लेता हूँ, वैसे टिकट में इसका टाइमिंग बता रखा है 8:45। तो मेरी ट्रेन 8:45 पर आएगी और उपसो मैं 12:30 तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। वो कौन सी मंजिल है ये मैं रास्ते में बताऊंगा। घर से जल्दी चला था और घर से जल्दी चलने के कारण मैं कुछ नहीं खाया, तो मेरे बैग में है सारा कुछ, वो तो भी खाते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो स्टेशन मोस्टली खाली पड़ा। आज मैं अकेले जा रहा हूँ साथ में, लेकिन मेरे फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ा सा ओड तो लग रहा है, फील कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन होप सो इन्जॉय करेंगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलो फिर बात करता हूँ आपसे। एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, दो चीज़ें मैं भूल गया वहाँ से, दो नहीं तीन चीज़ें मैं भूल गया। तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक सैनिटाइज़र भुलाया और हैंड वॉश के लिए जो पेपर सोप होती है वो भुलाया और एक टावल, छोटा हैंड टावल। तो तीन चीज़ें जो मेन होनी चाहिए आपको सफ़र करने के लिए, वो तीनों चीज़ें मैं भूल आया, याद नहीं रहा। ऑफिस से आया, फटाफट नहाया और नहाने के बाद बैग पैक कर दिया घर वालों ने सारा, उनको भी याद नहीं रहा कि कौन कौन सी चीज़ें ये जो मेन होती हैं वो, बस उन्होंने कुछ डाल दिया। और ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर याद आया कि ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी। चलो मैं बाहर देखता हूँ अगर शॉप से मिल जाए तो, अभी टाइम है ट्रेन में, ट्राई करते हैं, चलते हैं देखते हैं वहाँ पे अगर मिल जाए, क्योंकि टिकट तो मैंने ले रखी है। अभी बस फटाफट से वो चीज़ें लेके आके और ट्रेन चढ़ जाना है बस, अभी देखता हूँ मैं अगर मिल जाए। सैनिटाइज़र बोल तो रहे हैं, देखते हैं कौन सा सैनिटाइज़र है। हेलो, मेरे काम आ जाए सब में। ये सैनिटाइज़र भी मिल गया, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई
अभी एक चीज़ है वो उससे मैं काम चला लूँगा, टेंटी है अभी तो होप सो दोनों चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि जो जिस तरह का टाइम चल रहा है जिस तरह की मौसम है ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके सफर करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये मेरी चीज़ें हो गई, तो अभी चलते हैं स्टेशन पे, पहुँचने वाली है ट्रेन बस। उसी का जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो पहुँच गई अभी। अभी ये ट्रेन यहाँ से चली है नाभा से, तो उसके बाद ये रुकेगी धोरी, धोरी जंक्शन है वहाँ पर रुकेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो आएगा हम रास्ते में आपको बताता जाऊँगा। तो अभी करते हैं डिनर, इस बार जो मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था इसका, क्योंकि मैं घर से आते हुए लेट हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ ट्रेन में बैठ के डिनर कर, अभी आधे रास्ते में पहुंच गए ट्रेन लौट, तो एक घंटे का सफ़र और बाकी है, उसके बाद पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। अभी चल पड़ी है ये स्टेशन से, लौट से चल पड़ी है ट्रेन, कितनी फास्ट लेके चल रहा है, नींद आ गई थी रास्ते में, मस हो गया था, हुआ समय पर उठ गए। ये सारी ट्रेन खाली पड़ी है, लास्ट स्टेशन है इसके बाद, तो सभी पैसेंजर उतर जाते हैं, हम लास्ट स्टॉपेज वाले हैं पैसेंजर हैं। तो स्टेशन पहुंच गए, अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मस्त हवा चल रही है,